हे गाइस, आज मैं आपको 25,000 के अंदर आने वाले बेस्ट कर्व्ड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन बताऊंगा, जहां पर आपको डिस्प्ले के साथ ही साथ फ्लैगशिप लेवल का कैमरा एंड परफॉर्मेंस होगा। 144Hz रेट की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट होगी। और गाइस, जो भी मैं फोन्स बताऊंगा वो 20,000 से 30,000 के अंदर मिलेंगे। खैर, कर्व्ड डिस्प्ले का क्रेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में, और इस वजह से हर ब्रांड का बेस्ट कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है। बट इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट कर्व्ड डिस्प्ले एंड फीचर वाले स्मार्टफोन बताऊंगा, जिन्हें आप अंडर 25,000 के बजट में आराम से खरीद पाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है, ये लावा का अग्नि 2 है। 20,000 से 22,000 के अंदर मिल जाता है। बट इस फोन का जो डिस्प्ले है काफ़ी प्रीमियम फील करवाता है, बेस्ट कर्व्ड डिस्प्ले है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। तो यहाँ पर डिजाइन क्लास बैक में मिलता है और प्रीमियम लेवल का देखने को मिलता है डिजाइन बैक का। बाकी फोन का वेट 202 ग्राम होने वाले हैं। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 13 पे आता है। स्टॉक एंड्रॉइड भी देखने को मिलता है दोस्तों, यानी कि किसी भी तरह के ब्लूटूथ और एड्स ही देखने को मिलेंगे, जो कि 20,000 के अंदर ऐसा फोन मिलना बहुत ही कमाल का रहेगा। साथ ही 2 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिल जाएंगे। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर यह फोन डिस्प्ले वाइज हाइलाइटिंग पॉइंट रहेगा, जो कि यहाँ पर 6.78 इंच का FHD+ सुपर कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एंड यस गाइस, कर्व्ड डिस्प्ले होने की वजह से एक कमाल का ही डिस्प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। फोन हाथ में पकड़ते वक्त काफी प्रीमियम देखने को मिलेगा। 4700 mAh की एक बैटरी है और 66W का एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। 120Hz की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट, 240Hz की टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है और 950 nits की पीक ब्राइटनेस लेवल भी मिल जाता है। HDR10+ का सपोर्ट है। तो भाई, डिस्प्ले वाइज बहुत ही कमाल का रहेगा फोन, नो डाउट ये फोन। कैमरे की बात कर लेते हैं तो 50MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2+2MP के दो और माइक्रो और डेप्थ मिल जाएंगे। 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे और फ्रंट में 16MP का सेल्फी मिल जाता है। 1080p पे 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बाकी यहाँ पर 3.5mm ऑडियो जैक SD कार्ड सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये फोन एक फ्लेक्सिबल लेवल का फोन है और फ्लेक्सिबल लेवल के फोन में ये सारी चीजें नहीं मिलती है। तो अंडर 20,000 के प्राइस में ये फोन बहुत ही कमाल का रहेगा। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 7050 का एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जिसका एंटीटू स्कोर 5,20,000 के करीब आता है। साथ ही LPDDR4X रैम टाइप है और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप भी मिल जाता है। 8GB की रैम है और 8GB की वर्चुअल रैम भी मिल जाती है, तो कुल मिलाकर 16GB की रैम मिल जाती है। बाकी ये फोन वेपर कूलिंग चैम्बर के साथ आता है, यानी कि गेमिंग करते वक्त फोन ज्यादा हीट और लैग नहीं होगा, तो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस कर पाओगे। और फ्लेक्सिबल लेवल का स्मार्टफोन है, 13 5G बैंड्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 8GB 256GB स्टोरेज के लिए आपको देना होगा 17,999 rupees। सो ये फोन नंबर 1 पे एक बहुत ही अच्छा है 20,000 के अंदर, बेस्ट ऑलराउंडर फोन है 18,000 में, नो डाउट। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा स्मार्टफोन पर डेफिनेटली जाना चाहिए, कमाल का फोन है, जिन्हें एक नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले परफॉर्मेंस और कैमरा चाहिए तो नो डाउट ये फोन काफी कमाल का रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं लिस्ट के नंबर 4th के स्मार्टफोन के ऊपर। तो यहाँ पर आता है Realme का 10 Pro Plus 5G। दोस्तों, 20,000 से 22,000 के अंदर ये फोन मिल जाता है। बेस्ट कर्व्ड डिस्प्ले के साथ ही साथ अच्छा डिजाइन एंड फीचर्स चाहिए 20,000 से 22,000 में, तो आप इस फोन पर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। तो यहाँ पर जो कलर है काफी यूनिक देखने को मिलता है, 3D शाइनिंग डिजाइन है। बैग में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। वेट की बात करें तो 177 ग्राम फोन का वेट है। खैर, बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर 6.7 इंच की FHD+ वाली OLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एक कर्व्ड डिस्प्ले है। फोन को हाथ में पकड़ने पर काफी ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील करवाता है। खैर, 120Hz रेट वाली रिफ्रेश रेट है, HDR10+ का सपोर्ट है, 360Hz रेट की टच सैंपलिंग रेट है एंड 950 nits की पीक ब्राइटनेस लेवल है। खैर, बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो MediaTek Dimensity 1080 वाला एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 6nm पर बेस्ड है। एंटीटू स्कोर की बात करूं तो यहां पर 5,30,000 के करीब निकाल के देता है एंटीटू स्कोर। परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा है, डे टू डे लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एंड काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। बाकी यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है, Realme UI 4.0 बेस्ड है।
कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर तीन कैमरा सेटअप है बैक में, जहाँ पर 108 मेगापिक्सल का मेन है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो है। सेल्फी यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का है बैक से, 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा अच्छा है। खैर बात कर लेते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर 5000 mAh की बिग बैटरी है एंड 67W का सुपर वुक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। बैटरी बैकअप में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। खैर बात कर लेते हैं द फीचर्स की, तो यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर है, एक्स्ट्रा एक्सपांड वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। चलिए बात कर लेते हैं फाइनल प्राइसिंग की, तो 6GB 128GB के लिए 21,999 rupees देना होगा, 1,100 का डिस्काउंट मिल जाएगा, वो आप देख लेना। तो इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट फोन रहेगा कर्व डिस्प्ले के मामले में। चलिए बात कर लेते हैं लिस्ट के नंबर 3rd के स्मार्टफोन के ऊपर, तो यहाँ पर आता है रियलमी का नार्जो 60 Pro 5G। दोस्तों ये फोन डिस्प्ले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में काफी अच्छा है, कर्व डिस्प्ले भी है इस फोन में। बाकी यहाँ पर इसी के टक्कर के साथ रियलमी 11 प्रो भी आता है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। आप इन दोनों में से कोई भी फोन चूज कर सकते हो। खैर चलिए रियलमी नार्जो 60 Pro के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर डिजाइन जो है ये 2 वेरियंट्स में आते हैं, जहाँ पर एक बैग प्लास्टिक का है, दूसरा है वेगन लेदर के साथ। 8.2 mm की थिकनेस है, यानी कि काफ़ी पतला रहेगा। 191 ग्राम फोन का वेट है, काफ़ी प्रीमियम फील करवाता है हाथ में पकड़ते वक्त। खैर बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर हाईलाइटिंग पॉइंट यही रहेगा फोन का डिस्प्ले, जो कि 6.7 इंच FHD प्लस 10 बिट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि एक सुपर कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है। साथ ही 120Hz की रिफ्रेश रेट, 360Hz की टच सैंपलिंग रेट है, HDR10+ का सपोर्ट है, 915 की पीक ब्राइटनेस लेवल है। तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। खैर बात कर लेते हैं कैमरास की, तो यहाँ पर 2 कैमरा मिलते हैं, जहाँ पर एक 100 मेगापिक्सल का है मेन, OIS का सपोर्ट है। OIS का सपोर्ट होता है उसकी वजह से आप फोटो स्टेबली अच्छे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बाकी यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है, 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी है और बैक से वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30fps तक कर पाओगे। एवरेज से ऊपर रहेगा फोन का कैमरा। खैर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 7050 वाला एक चिपसेट देखने को मिलता है एंड ये चिपसेट 6nm पर बेस्ड है, गेमिंग चिपसेट है। 60fps पर हाई लेवल वाली गेमिंग कर पाओगे बिना लेक और हीटिंग के, तो परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर LPDDR4XM एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप भी मिल जाता है, 12GB की वर्चुअल रैम है एंड मीडियम टू हाई सेटिंग्स गेमिंग कर पाओगे। खैर बात कर लेते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर 5000 mAh की बिग बैटरी है एंड 67W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। 55 मिनट में 0-100% चार्ज कर पाओगे, बैटरी वाइज भी काफी अच्छा रहेगा। खैर बात कर लेते हैं द फीचर्स की, तो यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर है, 2 5G सिम है, SD कार्ड एंड 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है। बाकी यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है, बेस्ड ऑन रियलमी UI 4.0। 2 साल की मेजर OS अपडेट्स, 3 ईयर्स की सिक्योरिटी अपडेट्स, 9 5G बैंड का सपोर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो 8 128GB के लिए 23,335 rupees देना होगा। कार्ड ऑफर लगाने के बाद आपको 1100-1200 का डिस्काउंट मिल जाएगा, वो आप देख लेना। तो ओवरऑल ये फोन 22,000-22,500 के अंदर मिल जाएगा, उस हिसाब से बेस्ट फोन रहेगा। बाकी यहाँ पर जो नंबर 2 पे स्मार्टफोन आता है, ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, बेस्ट फोन रहेगा, साथ ही साथ कर्व डिस्प्ले तो है ही, लुक वाइज भी काफी कमाल का रहेगा। ओवरऑल बेस्ट डिस्प्ले के साथ ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हो तो आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हो, काफी कमाल का फोन रहेगा, जो कि इन्फिनिक्स के तरफ से आता है, इन्फिनिक्स 0 35G, बेस्ट फोन रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से, तो यहाँ पर वेगन लेदर के साथ बैक में आता है ये, साथ ही एक और दूसरा वेरियंट मिल जाता है, वो ग्लास बैक के साथ आता है। 7.9mm की थिकनेस है, यानी कि काफी पतला फोन रहेगा एंड 183 ग्राम फोन का वेट है, यानी काफी लाइट वेट फोन भी होगा। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.78 इंच की FHD प्लस 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 144Hz को सपोर्ट करता है एंड साथ ही गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 915 की पीक ब्राइटनेस लेवल एंड 360Hz की टच सैंपलिंग रेट भी है। साथ ही ये एक 10 बिट डिस्प्ले होगा एंड यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो डिस्प्ले ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट रहेगा अंडर 25,000 के बजट में। 3D कर्व्ड डिस्प्ले होने की वजह से कंटेंट वॉचिंग के लिए नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। बात कर लेते हैं कैमरा की, तो 3 AAA कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन 108 मेगापिक्सल का है विद OIS सपोर्ट के साथ, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो है। सेल्फी यहां पर 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। फ्रंट और बैक दोनों से 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग एंड फोटोज को खींच पाओगे। तो ओवरऑल कैमरा वाइज
डिवाइस वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 का एक 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक लेटेस्ट पावरफुल चिपसेट है। 90 FPS पर गेमिंग कर पाओगे हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर। साथ ही यहाँ पर 11 लेयर्स का लिक्विड कूलिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी हैवी से हैवी घंटों तक गेमिंग करोगे तो बिल्कुल हीट एंड लैग नहीं होगा फोन। बाकी ये 6 nm पर बेस्ड चिपसेट। बात कर लेते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर 5000 mAh की बिग बैटरी एंड 68W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। साथ ही UFS 3.1 स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X रैम टाइप भी मिल जाता है। खैर बात कर लेते हैं अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर 3.5 mm ऑडियो जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, ड्यूल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है एंड IP53 रेटिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि हल्का फुल्का डस्ट एंड वाटरप्रूफ भी रहेगा। बाकी 8GB 12GB की रैम मिल जाती है एंड 12GB के रैम के अंदर आपको 9GB की वर्चुअल रैम मिल जाएगी, यानी कि टोटल 21GB की रैम है एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है बेस्ड ऑन XOS 13। 14 5G बैंड्स का सपोर्ट है। खैर बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 8GB 256GB के लिए 23,990 रुपीस मिल जाता है, और दूसरा जो वेरिएंट है 12GB 256GB वाला, उसकी प्राइस 24,990 रुपीस मिल जाती है। तो गाइस ओवरऑल ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, डेफिनेटली कमाल के फ्लेक्सिबल लेवल के फीचर्स एंड स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, सो आप डेफिनेटली जा सकते हो इस फोन पर। खैर अब फाइनली बात कर लेते हैं लिस्ट के नंबर 1 के स्मार्टफोन के ऊपर, तो यहाँ पर IQ का Z7 Pro 5G स्मार्टफोन आता है, जो कि दोस्तों 20,000 से 25,000 के अंदर बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट डिजाइन एंड अच्छा कैमरे के साथ ही साथ अच्छा परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा फोन ये रहेगा। तो आप इस IQ Z7 Pro पर डेफिनेटली जा सकते हो, काफी कमाल का ओवरऑल ये फोन रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से, तो यहाँ पर बैक 3D कर्व्ड ग्लास के साथ मिलता है, 7.36 mm की थिकनेस है एंड 173 ग्राम फोन का वेट है, यानी कि काफी लाइटवेट फोन है, साथ ही साथ काफी थिंक भी है। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.78 इंच की FHD+ 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाता है विथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 1200 nits की इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट है एंड आपको 13 nits की पीक ब्राइटनेस लेवल भी मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, तो डिस्प्ले वाइज वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। खैर बात कर लेते हैं कैमरास की, तो यहाँ पर डिल रियल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन प्राइमरी 64 MP का मिलता है विद OI सेंसर के साथ, 2 MP का लेंस है एंड सेल्फी यहाँ पर 16 MP का है। 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड्स एंड फोटोज को खींच पाओगे। चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का एक 5G लेटेस्ट फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 4 nm पर बेस्ड है। एंटूटू स्कोर की बात करें तो 7,30,000 से भी ऊपर आता है, यानी कि काफी अच्छा स्कोर है प्राइस के अकॉर्डिंग, और साथ ही इसमें 3000 mm की वेपर कूलिंग चैम्बर सिस्टम भी मिल जाता है। तो ओवरऑल गेमिंग वाइज हाई क्वालिटी पर खेल पाओगे गेमिंग बिना लैग और हीटिंग के, कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। तो इस फोन में अल्टीमेट लेवल का प्रोसेसर मिल जाता है। खैर बात कर लेते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर 4600 mAh की बिग बैटरी एंड 66W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, 0 to 50% ओनली 22 मिनट में चार्ज कर पाओगे। खैर बात कर लेते हैं अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है बेस्ड ऑन फ्रंट टच OS 13, 2 साल की मेजर OS अपडेट्स एंड 3 ईयर्स की सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिल जाएगा। 10 5G बैंड्स का सपोर्ट है, IP52 रेटिंग भी है, यानी हल्का फुल्का डस्ट एंड वाटरप्रूफ भी रहेगा। खैर चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली फोन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पर 8GB 128GB के लिए 23,999 रुपीस मिल जाती है प्राइस, और हाँ आपको कार्ड ऑफर में 2,500 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये फोन तो इस बजट रेंज के अंदर बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन कह सकते हैं, क्योंकि डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस से लेकर ओवरऑल कैमरा भी काफी कमाल का है। तो इस फोन पर डेफिनेटली जा सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर कर लेना। तो दोस्तों ये थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन, जिन्हें आप अंडर 20 to 25,000 के बजट में खरीद पाओगे, और आप अपने ब्रांड, प्राइस एंड फीचर्स के अकॉर्डिंग, ओवरऑल स्पेक्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी फ़ोन बाय कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको इसी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं।